गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू द एट्थ स्टूडेंट्स कम्स इन नाइन्थ स्टैंडर्ड सो एवरीबडी वेलकम्स इन स्टैंडर्ड नाइन्थ नाउ टूडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर सिलेबस इन स्टैंडर्ड नाइन्थ इन सब्जेक्ट साइंस नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द चैप्टर नंबर वन मैटर इन आवर सराउंडिंग्स. तो फर्स्ट ऑफ एवरीबडी नोन दैट विच इज कॉल्ड मैटर्स. मैटर्स इज ए वेज साइंटिफिक नेम ऑफ मटेरियल्स ऑल्सो. फर्स्ट वी गेट इंट्रोडक्शन अबाउट ए मैटर. वी हैव सीन लार्ज वेराइटीज ऑफ थिंग्स. वी हैव टू सीन लार्ज वेराइटीज ऑफ थिंग्स with different shapes, size and textures. तो हम हमारे जो surrounding area में बहुत सारी things देखते हैं, उनके size different होते हैं, shape different होते हैं, textures different होते हैं. First off, we also known that everything in our universe is made of materials. हमारे universe में कोई भी thing जो बनी हुई है made of है वो किससे मटेरियल से बनी हुई है. दीज मटेरियल्स साइंटिफिक नेम्ड इज मैटर. सो एवरीथिंग आवर यूनिवर्स इज मैटर. दे हैव मास एंड वॉल्यूम. सम इंडियन फिलोसोफर क्लासिफाइड मैटर्स इन फाइव बेसिक एलिमेंट्स. एवरीबडी नोन दैट आल्सो. दिस नेम इज पंचतत्व. विच इज द पंचतत्व? एयर, अर्थ, स्काई, फायर एंड वाटर. जो पंचतत्व इंडियन फिलोसोफर जो एंशियंट टाइम में जो मैटर कर दिया है तो पंचतत्व. आवर बॉडी मेड ऑफ पंचतत्व. एवरीबडी नोन दैट. इन हिंदी से एवरीबडी नोन वेरी वेल आर एयर मीन्स हवा, अर्थ, पृथ्वी, स्काई, आसमान, फायर, अग्नि, वाटर, जल. नाउ मॉडर्न डेज मैटर क्लासिफाइड इन टू पार्ट्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. फर्स्ट वी अंडरस्टूड डिफाइन मैटर. एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज मेड ऑफ मटेरियल्स. एवरीथिंग इन अवर यूनिवर्स मेड ऑफ मटेरियल्स. इट हैव वॉल्यूम एंड मास. तो हमारे जो यूनिवर्स में कोई भी थिंग है किसकी बनी हुई है? मटेरियल. मटेरियल है तो उसमें क्या है? उसके पास उसका वॉल्यूम है और क्या है? मास है. इट हैव वॉल्यूम एंड मास इज कॉल्ड मैटर. इन सिंपल वर्ड एवरीथिंग इन द अवर यूनिवर्स मेड ऑफ मटेरियल्स. इट हैव वॉल्यूम एंड मास इज कॉल्ड मैटर. Now we are going to discuss about the status of matters. Everyone known that there are three status of matters, which is everybody known that solid, liquid and gaseous. First off, we discuss about the solid status of matter, which is that in this state matters have a definite shape, size and distinct boundaries and फिक्स्ड वॉल्यूम. जो सॉलिड है उसका क्या है? जो शेप और साइज कैसा है? डिफाइनाइट होता है. उसका जो शेप साइज है कैसा है? डिफाइनाइट होता है. उसकी डिस्टिंक्स बाउंड्रीज है. उसका खुद का वॉल्यूम है. वॉल्यूम डजंट चेंज, शेप डजंट चेंज एंड साइज डजंट चेंज. इट मे बी कॉन्स्टेंट. इट्स कंप्रेसिबिलिटी इज नेग्लिजिबल. जो सॉलिड है उसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता. मींस उसको पुश नहीं किया जा सकता. अगर उसको पुश करते हैं, हार्ड प्रेशर देते हैं ऊपर से या एक्सटर्नल फोर्स लगाते तो ब्रेकआउट हो जाता है. बट दे आर नॉट चेंज देयर शेप एंड साइज. सॉलिड में ब्रेक अंडर फोर्स बट इट इज डिफिकल्ट टू चेंज देयर शेप एंड साइज. एवरीबडी नोन दैट. सॉलिड हैव अ टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप. सॉलिड हैव टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप. एवरीबडी नोन दैट.
According to our figures, please shown in the figure, solid have intermolecular space is very less. Solid के अंदर जो intermolecule molecule के बीच जो space होता है between two molecules is very less. Solid does not have a fluidity. Solid कभी flow नहीं होता है. In simple words, we again discuss about solid status of matter. Solid have a definite shape, size and distinct boundaries and fixed volume. Means उसका shape, size, boundaries, distinct areas, volume never be changed. It have a compressibility negligible. तो compressibility उसकी negligible, उसको compress नहीं किया जा सकता, push up नहीं किया जा सकता. सॉलिड में ब्रेक अंडर फोर्स बट इट डिफिकल्ट टू चेंज देयर शेप. अगर उस पर ज़्यादा कंप्रेस करेंगे, एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो ब्रेकआउट हो जाएगा. सॉलिड हैव अ टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप. अकॉर्डिंग टू अवर फिगर, प्लीज शोन इन द फिगर, सॉलिड हैव इंटर मॉलिक्यूल स्पेस इज वेरी लेस एंड सॉलिड डज नॉट हैव ए फ्लूडिटी. एवरीबडी नोन दैट. नाउ वी आर गोइंग टू discuss about the liquid state of matter. In the liquid state of matter, they have not a fixed shape. Liquid का जो shape है वो कैसा है? Fixed नहीं होता है. But its volume is fixed. Solid के अंदर shape and volume both are fixed. In liquid, shape is not fixed but volume is fixed. Volume never be a change. Liquids does have a fluidity. Its shape depend on the shape of the container. A liquid have a fluidity. जैसा उसका container का shape होगा, वही liquid का shape होगा. Depend on its container. Rate of diffusion of liquid is greater than solids because of some gases diffuse in water or also in liquids like that CO2, O2, some aquatic animals get O2 from the water. Everybody knows that. So, rate of diffusion of liquid is greater than the solids. According to our figure, please shown in the figure, intermolecular space of liquid is more than solids. Jo intermolecular space hai, between two molecules is more than solids. Compressibility of liquid is more than also solids. Now we again discuss about one type liquid states of matter. In this state of matter have a not fixed fixed shape. Uska fixed shape nahi hai, but its volume is fixed. Liquids have a fluidity. Its shape depend on the shape of the container. Rate of diffusion of liquid is greater than solids because of some gases diffuse in water and liquids also like that O2, CO2 and some aquatic animals, more than aquatic animals get O2 oxygen from waters. Everybody knows that. According to figure, intermolecular space of liquid is more than solids. So, though molecule between two molecules have space is more than the solids, compressibility of liquid is more than solids. Now again we are going to discuss about the gaseous state of the matter. In this state of the matter have no definite shape and volume. First of jo we discuss about solid, solid have a definite shape and volume also. In liquid have no definite shape but volume is fixed. But in gaseous states, volume and shape both are undefinite. Large quantity of gas can be compressed into the small cylinder like that LPG, CNG, PNG means compressibility of gas is very high. हम हमारे घरों में देखते हैं in our homes like that LPG, CNG, PNG gases fill in the cylinder according to pressure or compressibility. So compressibility of gas is very high. Gas diffuses very fast. Everybody knows that. The intermolecular space in the gas is most all of three.
इंटरमोलिकुलर स्पेस जो सबसे ज्यादा होता है, मोर होता है, वो किसमें होता है, गैसियस स्टेटस में. सो देयर आर फ्रीली इन द कंटेनर वेरी फास्ट. द पार्टिकल्स ऑफ गैस स्ट्राइक ऑन द वॉल्स ऑफ टू कंटेनर्स एंड प्रोड्यूस प्रेशर, गेट प्रोड्यूस प्रेशर. सो देयर आर थ्री स्टेटस ऑफ द मैटर्स बी अंडरस्टूड वेरी वेल. Anyone have any questions, any doubts, then ask me on my WhatsApp number and also in group. Okay, thank you.